बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं 21 टीम्स का फिक्स्चर चार्ट कैसे बनाया जाता है और क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। क्योंकि लास्ट वीडियो पर काफ़ी बच्चों ने कहा था, सर क्वार्टरली हमारी किताबों में दिया हुआ है, तो देखिए बेटा क्वार्टरली करिए या हाफली करिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ना वो गलत है ना ये गलत है। आप कंफर्टेबल किस में होते हैं और कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा बैलेंस बनाते हैं अपने फिक्स्चर चार्ट को, इस बात की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके क्वेश्चंस में कहा जाता है कि आप क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन करके करिए तो आप क्वार्टरली करिए, अगर नहीं कहा जाता तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, क्वार्टरली भी कोई कठिन नहीं है, क्वार्टरली बहुत आसान है। इसको करने के लिए बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है कि 22 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। ठीक लास्ट वीडियो में जैसे आपने 22 का डिस्ट्रीब्यूशन अपर हाफ और लोअर हाफ में किया था, और इसमें कैसे करते हैं उसे मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, इसको ठीक उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम टीमों की कुल संख्या, टीमों की कुल संख्या 21 टीम्स, उसके बाद कुल मैचों की संख्या, मैचों की कुल संख्या। फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, एन माइनस वन। सो ये हो जाता है आपका 21 माइनस वन इज इक्वल टू 20 मैचेस। तो आपको इतना पता चल गया कि इस टूर्नामेंट में 20 मैच होने हैं। तो अब हम करेंगे ऊपरी अर्ध, जिसे हम अपर हाफ कहते हैं, मैं टीमों की संख्या। फॉर्मूला है, आप सभी को पता होना चाहिए, एन प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 21 प्लस वन अपॉन टू, तो 22 अपॉन टू कटकर हो जाता है आपका 11। ठीक है, 11 टीमें आपके अपर हाफ में जाएंगी। ठीक है, उसके बाद निम्न अर्ध, मैं टीमों की संख्या, एन माइनस वन अपॉन टू, 21 माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 20 अपॉन टू, देन 10। तो अपर हाफ में 11 टीम्स एंड लोअर हाफ में 10 टीम्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है 22 की कुल संख्या। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, कि आप कैसे पता करते हैं कि कुल 22 कितनी दी जाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि 2 के स्क्वायर्स किए जाते हैं। ठीक है, 2 टू जा 4, फिर इंटू 2, 4 टू जा 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये देखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स से ज़्यादा और नियरेस्ट, ज़्यादा और नियरेस्ट। तो 2 टू जा 4 होता है, 4 टू जा 8 होता है, 8 टू जा 16 होता है, 21 से कम है, और 16 टू जा 32 होता है, तो ये 21 से ज़्यादा है और नियरेस्ट है 21 के। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 22 की कुल संख्या, 32 माइनस 21 इज इक्वल टू, तो आपकी 22 की संख्या कितनी बचती है,
11। पूरे फिक्स्ड चार्ट में हमें 11 बाइस देनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, ऊपरी अर्ध में 22 की संख्या ऊपर और नीचे, ठीक है। ऊपरी अर्ध में 22 की संख्या, फॉर्मूला एन बी, नंबर ऑफ 22 माइनस 1 अपॉन 2। सो यहां हो जाता है नंबर ऑफ 22 कितनी थी, 11 माइनस 1 अपॉन 2, तो क्या निकल के आता है, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो अपर हाफ में जो 22 होंगी आपकी होंगी 5। इसी तरीके से हम नीचे आ जाते हैं, निम्न अर्ध में 22 की संख्या, फॉर्मूला एन बी प्लस 1 अपॉन 2। तो ये भी हो जाता है 11 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 देन 6। ठीक है, अब कुल राउंड्स की संख्या, आपको ये देखना होता है कि 2 को कितनी बार पावर दी गई थी जिससे राउंड्स की संख्या पता चलती है। तो 2 की पावर 5 थी तभी तो 32 आया। यहां देखिए, राउंड्स की संख्या 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 4, 8, 8 × 16, 16 × 32, 1, 2, 3, 4, 5, सो 5 राउंड्स। अब हमें ये पता चल गया कि 5 राउंड्स में ये प्रतियोगिता होने वाली है, ठीक है। इसमें 22 ऊपर 5 दी जाएंगी और नीचे 6 दी जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमें पता चल गए 20 हैं, ठीक है। तो अब अगर हमारा अगला जो स्टेप है, अब हमें ये देखना है हम क्वार्टरली जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हम उस क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी कितनी टीमें पहले क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में देने वाले हैं। तो अब हम लिखेंगे प्रत्येक क्वार्टर में टीमें, पहला क्वार्टर, क्वार्टर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर हम कर सकते हैं 4 + 1, तो 5 टीम्स टीमें। अब सेकेंड मतलब दूसरा क्वार्टर, क्वार्टर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5 टीम है। तीसरा क्वार्टर, क्वार्टर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5 टीमें। और चौथा क्वार्टर, क्वार्टर प्लस 1, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 टीमें। हमें चार क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूशन करना था, हमारे पास टीम है 21। अब यहां देखिए, 5 + 5 + 5 + 5, 20 टीम्स हो रही हैं। अब बची एक टीम, अब हमें उस एक टीम को कहां, एक मिनट, थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं थोड़ा कैमरे को यहाँ नीचे कर देता हूँ।
तो अभी मैंने जो भी कुछ बोला था वो यहाँ बोला था, और हो सकता है शायद वीडियो में नहीं आया था, मैं उसके लिए दोबारा से एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, राउंड्स की संख्या हमने 1, 2, 3, 4, 5 पांच बार लिखा है, क्योंकि हमने 32 से 21 को घटाया था। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 माइनस 21 था, 11 22 निकली थी। तो इससे हमें पता चलता है 2 की पावर कितनी थी, 2 की पावर थी 5। तो 5 राउंड्स में ये मैचेस होने वाले हैं। उसके बाद हमने किया प्रत्येक क्वार्टर में टीमों की संख्या। पहला क्वार्टर, क्वार्टर प्लस वन, 4 प्लस 1 5 टीमें। सेकेंड क्वार्टर, क्वार्टर प्लस वन, 4 प्लस 1 5 टीमें। थर्ड क्वार्टर, क्वार्टर प्लस वन 5 टीमें। चौथा क्वार्टर, क्वार्टर प्लस वन 5 टीमें। अब हमारे पास एक टीम बचती है, अब हम उस एक टीम को कहाँ ले जाएंगे? देखिए, हम जो फर्स्ट टीम, जो एक्स्ट्रा टीम बची है, उसको हम ले जाएंगे सबसे ऊपर फर्स्ट क्वार्टर में, +1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे क्वार्टरली टीम्स डिवीजन, मतलब हमने टीमों को हर एक क्वार्टर में बांट दिया। ठीक है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, फिक्स्चर चार्ट कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे टीमें, लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सॉरी 20, 21। हमारे पास 21 टीमें हो गई, और हमें इसे अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करना है। उसके लिए हमें अपर हाफ की टीमें कितनी मिली थी, 11। तो हम 11 के नीचे से एक लाइन खींच देंगे। ये आपका अपर हाफ हो गया, ये आपका लोअर हाफ हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन करना था। ठीक है, तो क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन भी हम 11 को अलग कर सकते हैं और बाकी का अलग कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ जो अर्थ लगाना है, ठीक वही हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 टीम्स हैं, 11 प्लस 1, जैसे हमने यहाँ पे 21 टीम्स के लिए अप्लाई किया था, हम 11 के लिए भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम करेंगे तो वो आ जाता है हमारा आंसर 6। तो हम यहाँ से लगाते हैं कट। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वार्टर, यहाँ पर है हमारा थर्ड क्वार्टर। टीम्स बराबर होनी चाहिए, नीचे भी 5, ऊपर भी 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, 5 टीम्स 5 टीम्स 6 टीम्स एंड 5 टीम्स। यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा हमने जोड़ा था वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये एक सिंपल पैटर्न है 22 को डिस्ट्रीब्यूशन करने का, हमें टोटल 11 22 बांटनी है। अब हमें ये पता है कि ऊपरी हाफ में, अपर हाफ में हमें कितनी 22 बांटनी थी, अपर हाफ में हमें 6 22 बांटनी थी, मतलब इससे ऊपर। ठीक है, 22 डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे आसान तरीका, अभी हम लोअर हाफ की तरफ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपर हाफ की तरफ देखेंगे, और अपर हाफ में हमें बांटनी है सिर्फ 5 टीम्स। ठीक है, अपर हाफ में हमें बांटनी थी 5 टीम्स, और लोअर हाफ में बांटनी है हमें 6 टीम्स। ठीक है, तो अपर हाफ में सबसे पहले हम लोअर हाफ की लास्ट टीम को फर्स्ट बाई देते हैं, बाई। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट बाई। ठीक है, अब सेकेंड बाई, फर्स्ट क्वार्टर की फर्स्ट टीम। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर की फर्स्ट टीम, देन अपर हाफ की लास्ट टीम, हाउ मेनी बाइज आर, 4, 1 मोर बाइज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ देन फिफ्थ 22। अब ये अपर हाफ में हो गई 22 का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोअर हाफ में आ जाते हैं, हमें लोअर हाफ में 6 टीम्स
बाय डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक उसी पैटर्न पे करेंगे, फर्स्ट बाइस, उसके बाद सेकंड बाई, थर्ड बाई, फोर्थ बाई, फिफ्थ बाई एंड सिक्स्थ बाई। हमने बैलेंस बाइस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, ये हमारा फर्स्ट राउंड है, ठीक है। हाँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट राउंड लिख दिया है ऊपर। अब देखिए, जिन टीमों को बाई मिलती है वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलती है, सेकेंड राउंड खेलती है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड, ठीक है। देखिए, फर्स्ट राउंड में जो मैचेस खेलेंगी वो टीम खेलेंगी फर्स्ट एंड सॉरी सेकंड एंड थर्ड, चौथी टीम का और पांचवी टीम का मैच होगा। ठीक उसी तरीके से आठवीं और नौवीं का मैच होगा, और चौदह और पंद्रह का मैच होगा, अठारह और उन्नीस का मैच होगा। ये फर्स्ट राउंड में मैचेस होंगे। अब जिनको बाइज मिली है वो सेकेंड राउंड में जाकर खेलेंगी, ठीक। देखिए, ये सेकेंड राउंड में टीम गई, और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में से जो मैचेस का विनर होगा वो सेकेंड राउंड में बाई वाली टीम के साथ खेलेगा। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी ये बाई वाली टीम सेकेंड राउंड में आठ और नौ के विजेता में से खेलेगी, और ये 22 पाने वाली दोनों टीमें सेकेंड राउंड में खेलेंगी। ठीक उसी तरीके से ये दोनों टीमें खेलेंगी, ठीक। उसके बाद 14 और 15 टीमों में का विजेता बाई वाली टीम 16 के साथ सेकेंड राउंड में खेलेगा। ठीक उसी के तरीके से ये वाली टीम भी 18 और 19 के विनर के साथ खेलेंगे, जो विन होके आएगा। उसके बाद ये 20 और 21 जो टीम है ये सेकेंड राउंड में खेलेंगी। तो अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर ये प्रॉपरली बैलेंस हो गया है, सेकेंड राउंड में ये मैचेस होंगे, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड राउंड में जो इनका विनर होगा ये आपस में टीमें खेलेंगी, ठीक है। उसके बाद टीम 7 8 9 में से जो भी निकल कर आ रहे हैं वो 22 में से जो टीमें जीती हैं, 10 टीम और 11 टीम के जो बाई में से जीती है उसके साथ खेलेंगे। ठीक उसी तरह ये दोनों टीमें खेलेंगी और ये दोनों टीमें खेलेंगी। ये थर्ड राउंड के मैचेस हो गए। देन आफ्टर ये सेमीफाइनल के मैच हो गए, और ये फिफ्थ राउंड में जाकर विनर फाइनल हो गया, ठीक है। तो क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें पहले ध्यान देना है अपर हाफ में, देन हमें ध्यान देना है लोअर हाफ में। तो आप सभी को ये तरीका समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर किसी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आकर नीचे कमेंट कर सकता है कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्वार्टरली भी बता दिया गया है, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस क्वेश्चन को छोड़कर आए। अटेम्प्ट करिए, पूरे 5 मार्क्स का ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ जाएगा आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो बच्चों, धूम मचा देनी है, पेपर में एक नंबर भी नहीं कटने देना है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से अटेम्प्ट करिएगा, कोई गलती नहीं होगी कहीं पर भी, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे के आएंगे, बेस्ट ऑफ लक। और इससे रिलेटेड और भी वीडियोज में डालने वाला हूँ कुछ, तो उनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिजिकल एजुकेशन के नोट्स मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो हमेशा हमारे फिजिकल एजुकेशन में आते ही रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फुल में से फुल मार्क्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये हमारी तरफ से हेल्प कैसी लगी। धन्यवाद।